आज यहाँ पे सुबह से ही मौसम बना दिया है बारिश का, तो मैंने सोचा चलो आज घर के अंदर ही काम कर लेते हैं, मेरा घर का भी काम हो जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुभि एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज का स्टूडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की, जो कि सभी लोग फेस करते होंगे। हमारे घर के कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जिनको आप जितनी भी साफ कर लीजिए, जितनी भी ऑर्गेनाइज कर लीजिए, लेकिन वो जो होता है ना नीट एंड क्लीन वाला लुक, वो नहीं आता है। मेरे जैसा बहुत लोग होंगे जो इस तरह के वायर से परेशान होंगे। मेरे घर में जितने भी वायर्स हैं ना, सब यहीं से गुजरती है, मतलब टीवी के, वाईफाई के, डिश टीवी की, होम थिएटर के, सबका यहीं से वायर जाके यहाँ पर टीवी यूनिट में है। एक्चुअली ये जो टीवी यूनिट है ना, ये ऊपर से मतलब सॉरी अंदर से वायर नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे जब टीवी लगाना पड़ा था, जो भी चीज़ यहाँ पे लगाना पड़ा था ना, तो बाहर से वायर लगाना पड़ गया था और देखने में बहुत ही ख़राब लग रहे थे, क्योंकि ये जो टीवी यूनिट इतना सुंदर सा बना हुआ है और इसका वायर जो है यहाँ ऊपर से मुझे लाना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि और कहीं जगह नहीं था। तो इस खुद का घर में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जब रेंटल होम की बात आती है ना, तो बहुत कुछ आपको सोच समझ के करना पड़ता है। पहले तो मैंने सोचा था कि यहाँ हाइड कर लेती हूँ। मैंने ना आर्टिफिशियल प्लांट्स यहाँ पे मनी प्लांट्स के लगाए थे और मैंने काफ़ी दिन इसको रखा भी था। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको हटा देती हूँ फाइनली, क्योंकि इसके अंदर का जो कलर है वो बहुत ही गंदा लग रहे थे। मतलब ये जो वायर है ना, ब्लैक येलो, बहुत ही पूरा क्लियर यहाँ पे पता चलता था। मैंने जो आर्टिफिशियल प्लांट लगाए थे ना, उसके बाद भी दिख रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उनको हटा दिया है यहाँ से। और ये जो है ना टीवी यूनिट यहाँ पे जो बना हुआ है, ये आधा वुडन का और आधा वॉल से बना हुआ है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर मैं मतलब जो यहाँ जो मैंने ये लगाया है वायर जो लगा हुआ था, यहाँ पे वाइट कलर का है, तो उसमें और ही ज़्यादा विजिबल थे जितना भी वायर्स वगैरह था ना, वो पूरा ही दिख रहे थे। तो मैंने यहाँ पर ना यूज़ किया है मास्किंग टेप का, आपने नाम सुना ही होगा, और ये आपका बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाता है, 50 रुपीज़ के अंदर में ही एक बंडल मिल जाता है और बहुत ही लंबा रहता है। आराम से आप बहुत सारा वायर को इस तरह से हाइड कर सकते हो। तो मास्किंग टेप को ना मैंने यहाँ से 3 से 4 लेयर में यहाँ पर लगा दिया है, और उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा पतला रहता है मास्किंग टेप, तो मैंने 2-3 लेयर इसको लगाया है ना, उसके बाद अच्छा से ये कवर हो गए हैं। और जो वायर थे ना, वो भी ब्लैक येलो कलर के थे, तो पूरा ही दिख रहे थे। तो मैंने टीवी यूनिट वाला जो एरिया है वहाँ पर मैंने 2-3 लेयर लगा दिया है। उसके बाद ये जो वॉल वाला जगह पर जहाँ पर है ना, यहाँ पर मैंने एक ही लेयर लगा दिया है, ये भी ब्लैक उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको भी हाइड कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पे जो मैंने रखा है ना ये लैम्प, इसको मैं पहले यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, तो सोचा कि चलो यहीं पर इसको रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस भी नहीं है नीचे में सामान रखने के लिए, तो मैंने उसको वहाँ पर डेकोरेटिव पीस की तरह यूज़ किया है। तो मेरे जैसा बहुत लोग परेशान होंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको ट्राई करा है इसको छुपाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर ये जो है ना वाईफाई का यहाँ बॉक्स लगा हुआ है, तो उसको मैं हाइड करने के लिए यहाँ पर एक आर्टिफिशियल का ही यूज़ कर रही हूँ, फ्लावर्स का। तो इस फ्लावर्स को यहाँ पे मैंने लगा दिया है, जो कि ये थोड़ा अच्छे ही लग रहे थे। मनी प्लांट्स क्या है ना कि पूरा जो टीवी यूनिट है इसको मैंने कवर करा था, तो उतना अच्छा नहीं लग रहे थे, और उसका वायर का जो कलर था ना वो भी पूरा दिख रहे थे। तो पहले से तो थोड़ा ठीक ही दिख रहा है मुझे ऐसे लगा, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला है, लेकिन पहले के कंपेयर में अगर मैं देखूँ तो अभी बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। और जब आपका घर छोटा होता है ना, तो बहुत सारा चीज़ आपको ध्यान में आपको रख के करना पड़ता है, कौन सा सामान कहाँ रखूँ, जिससे कि आपका घर भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगे। और कैसे होता है ना, ज़्यादा सामान एक साथ रख देने से भी घर थोड़ा भरा भरा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। तो मैंने यहाँ से बहुत सारा सामान को हटा दिया है, और उसके बाद हम लोग अभी टीवी यहाँ से हटाए हैं। जब टीवी लाएंगे तो ऊपर वाला जो सामान वगैरह रखी हुई ना टीवी जगह पे, उनको भी मैं हटा दूंगी। तो यहाँ साइड में ना पहले मैंने मनी प्लांट्स लगाए थे, आपने पहले वाला वीडियो में देखा ही होगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैंने ना उनको हटा दिया है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, तो बारिश का मौसम में मनी प्लांट्स मेरे घर में अच्छे से नहीं ग्रो कर रहे थे, मतलब मोस्ट ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो उनको बाहर निकाल देती हूँ, थोड़ा सा हवा वगैरह लगेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उन दोनों पौधे को निकाल दिया है, और वहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स को रख दिया था। तो क्या करूँगी ना, यहाँ पर इसको हटा के मैंने छोटे छोटे ये जो है ना आर्टिफिशियल प्लांट्स को ही रखे हैं, फ्लावर्स को, और इनको साइड करके रख दूँगी। एक्चुअली ये जो डब्बा आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर लैपटॉप के चार्जर और ये सब रखने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उनका सामान ना हैंडी चाहिए होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इसी को
यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि सामान जब आपके घर में है ना तो उनको हाइड करके रखना, मतलब आपका अगर घर बड़ा हो तो आप रख सकते हो, या फिर आपके पास ज़्यादा ऑर्गेनाइजर वगैरह है, कबर्ड वगैरह ज़्यादा है तो आप वहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन मेरे पास उतना सामान रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि सामान तो यूज़ होगा ही, तो ऐसे जगह करके रखो कि मतलब देखने में थोड़ा ख़राब भी ना लगे। तो कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है, पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा ही भरा भरा दिखता था। मैंने पूरा ही यहाँ पे मनी प्लांट्स लगा दिए थे वायर को हाइड करने के चक्कर में, लेकिन उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो थोड़ा सा इस तरह से मैंने यहाँ पर चेंज किया है, और जितना भी ज़्यादा सामान था सबको मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो दोस्तों आपने देख लिया ना, जितना भी मेरा ज़रूरत का सामान है सब यहीं पर आपको मिलेंगे। चार्जर हुआ, फ़ोन का चार्जर हुआ, लैपटॉप का चार्जर हुआ, चाहे मेरे यहाँ पेन पेंसिल भी मैंने सामने में ही रखा हुआ है। तो पहले से नीट एंड क्लीन तो ज़रूर ही लग रहा है मुझे। आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट करके बताइए मुझे। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया आइडियाज़ के साथ। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है देखना तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए, ताकि हम लोग अपना आइडिया शेयर करते रहें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए मैं विदा लेती हूँ दोस्तों। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।